मेरा नाम मोहम्मद निजामुद्दीन। हम आपको हर एक खबर से रूबरू कराएंगे। लाइव टीवी समाचार के परिवार ने किया समस्त कोरोना योद्धाओं पत्रकारों को सम्मानित। नजारा कुछ ऐसा, आपको बताते चले, कोरोना वायरस जैसी घातक महामारी संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई है और उसके बचाव के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाए हुए हैं। सरकार के मंशा स्वरूप संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है और इस महामारी के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल भी रखा जा रहा है और इस कड़ी में कोरोना योद्धा अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एनजीओ जनप्रतिनिधि पत्रकार भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कोरोना योद्धाओं को जगह जगह पर सम्मानित भी किया जा रहा है। इसी कड़ी से जुड़े लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज के नगर संवाददाता जुनेद अपने निजी आवास पर समस्त पत्रकारों को एकत्र करके उनको सम्मानित करके मनोबल भी बढ़ाया। जुनेद पत्रकार ने समस्त पत्रकारों को भोज का भी प्रबंध किया, अंग वस्त्र और कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान कानपुर शहर के जाने माने हस्ती भी मौजूद रहे जो इस महामारी में अपना तन मन धन भी निछावर कर दिया है। लाइव टीवी समाचार के संपादक आर के तिवारी ने बताया, हमारी लाइव टीवी समाचार की टीम संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई है और इस महामारी में पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। हम अपनी टीम को बहुत बहुत आभार प्रकट भी करना चाहता हूं। कार्यक्रम में आए हुए पार्षद ने भी पत्रकारों का मनोबल बढ़ाया और कहा, पत्रकार एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमें पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए। पत्रकार सर्दी हो या गर्मी, भूख हो या छांव, अपनी जान की परवाह न करके हम तक दुनिया भर की खबरें रूबरू कराता है, इसलिए हम सबको पत्रकार बंधुओं का सम्मान करना चाहिए। कानपुर, उत्तर प्रदेश, मोहम्मद इदरीश की खास रिपोर्ट।